किसी ने सच ही कहा है कि प्यार जब हो जाए तो ना सरहद देखी जाती है और ना दूरी देखी जाती है, प्यार तो हो जाता है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के चूरू में आया है, जहां सरहद पार कर पाकिस्तान से है एक बहू अपने ससुराल रहने आई है। हमारे साथ चूरू के पीतीसर गांव के महविस के जो ससुर है वो हमारे साथ है। जी आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पाकिस्तान से आपके बहू आई है, क्या कहोगे? बहुत खुशी की बात है, हम खुश हैं। गायों को बकरियों को सबको दूध निकालती है, ये बारह झाड़ी सब करती है, घर की खाना बना के देती है, हम बहुत खुश हैं उससे। दर्जन शादी किया उसने, खुद बगा के नहीं देखा, शादी की क्यों जी है कि नहीं, शादी किया लड़के ने, इनका जो प्यार है ये तकरीबन दूसरी तीसरी साल लग गई है और आपसे दोनों ने शादी कर लिया। हमारे को खबर लगी है कि उसने भी शादी कर लिया, हमारे को कोई खबर नहीं थी। ये दोनों आपसे झगड़ा करते थे, पहली वाली जो ये भादरा वाली जो दोनों का झगड़ा चलता रहता था, हम बहुत कोशिश किया उनको मनाने की कहें भी ये मान जाए यानी, लेकिन हमको वो भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे को समझ में नहीं आई। लड़के का ससुर था वो भी बहुत बार आया, मसला इनकी लड़के की सास का लड़के की बीवी का दोनों का था। हमारे साथ खुश थी, दोनों आदमियों के साथ खुश थी, हमारे साथ कोई यानी नाराजगी कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अब इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं पता। महविस से शादी करने का और महविस से बातचीत का आपको कब पता चला कि महविस पाकिस्तान? ये तक दो साल मान लो, दो मान लो तीन मान लो, यहाँ तक मेरे को मालूम होता हुआ उसने भादरा वालों ने खबर दिया मेरे को। आपको सबसे पहले किसने कहा कि महविस रहमान? लड़के का ससुर ने किया मेरे को। नहीं, महविस रहमान ने आपको कब बताया कि मैं पाकिस्तान? नहीं नहीं, उसने नहीं बताया, बिल्कुल से नहीं बताया मुझे। मुझे लड़के का ससुर से मालूम चला, आयुब खान नाम है उसका, उससे मालूम चला कि भाई ऐसे से तुम्हारा लड़का जो है पाकिस्तान बात कर रहा है। तो मैंने उसको मना भी किया एक दो बार, मुझे लड़का ये सही नहीं है, अपने जो है यहाँ बहुत हैं, ऐसे नहीं कर तुम। मैं समझाया उसको, बहुत समझाया, लेकिन उसे कोई समझ में नहीं आई, समझी नहीं, ये भी समझा नहीं है, दोनों नहीं समझे। अब जो इनमें जो है मामला यहाँ तक पुगा है, वो लड़की की वालदा को और लड़की को दोनों का एक सौ रुपया रेट होगा। अब जो समझिए, मेरा रिश्तेदार है जो आयुब खान, बहुत अच्छा आदमी है, मालिक से ये दुआ करता हूँ ऐसे रिश्तेदार सबको मिले। अब जब बाबा महविश आपके घर बहू बनकर आ गई है, तो जैसे दो से तीन दिन हो गए उनको लेते हुए, कैसे क्या मतलब? 26 तारीख को, आज चार दिन हो गया उसको, 30 हो गया ना, आज चार दिन हो गया उसको घर पर आई, तो बहुत अच्छा, हम खुश हैं उससे, वो हमारे से खुश है, हमें उससे खुश। रहन सहन और खान पान की बात नहीं, रीति रिवाज की अपन बात नहीं, बहुत बोली में फर्क और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ बेटी खाती है, साथ में खुद पकाती है, सब चीज कोई फर्क नहीं है। तो पाकिस्तानी बहू का किस तरीके से स्वागत और सत्कार किया जा रहा है, क्या खाना बनाया जा रहा है पिछले तीन चार दिन? कुछ भी खाओ उसकी मर्जी है, वो बताएंगे आप बोलेंगे ये बात कर रहे हैं, मीट खा रही है, मीट भी खाया उसने, सब्जी रोटी भी खा रही है, सब खा रही है। तो ये थे हमारे साथ जो पाकिस्तान से महविश आई है, उनके ससुर, और अब हमारे साथ महविश है और महविश की जो सास है वो भी हमारे साथ है। महविश से हम बात करेंगे कि महविश को भारत आकर कैसा लगा, और महविश की सास है हमारे साथ और महविश खुद अपने साथ है। तो महविश जी बात बताओ कि आपकी वार्तालाप रहमान से कब शुरू हुई, कैसे मतलब इस ये प्यार है जो परवान चढ़ा? मेरी 2020 में बात होना शुरू हुई थी, तो शादी हमने 2022 की तीसरे महीने की 16 तारीख को की है, तीसरे महीने की 16 को। पहले तो इमो पे हमारी बातचीत हुई है, हम लोग पहले दोस्त थे, दोस्ती में बस ऐसे प्यार हो गया फिर शादी कर ली। तो पहले शादी का प्रस्ताव है वो किसने रखा, आपने या रहमान जी ने? नहीं, उन्होंने नहीं रखा, मैंने रखा था, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं था हमारा, हम लोग अच्छे दोस्त थे, शादी की तो हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, तो बस जैसे समझे बहन भाइयों में भी दोस्ती होती है, अच्छे दोस्तों में भी होती है, सेम ऐसी दोस्ती थी हमारी, तो ऐसा हमारा कोई शादी का नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं दो, तो लेकिन जब वो इंडिया आए हैं उसके बाद वो वापस गए हैं तो उदास रहने लगे। मैंने पूछा था आपको क्या हुआ है, तो मैं भी अपने हर घर की बात शेयर करती थी, वो भी मेरे साथ शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी जब मैं जाता हूँ ना, कभी मुझे खुशी नहीं रखा उसने, लड़ाई झगड़े लड़ाई, दोस्तों के पास जाके क्यों बैठा है, बाहर क्यों गए हो, बस इसी बात पे झगड़ा मेरे साथ करना शुरू कर देती, कभी मेरे मोबाइलों की चेकिंग करने लग जाती, कहता मैं तो बहुत तंग आ गया इस वजह से ना। तो आगे से फिर मैंने उसको, मेरी भी उससे बात हुई है, चार पाँच बार हुई है, मेरी पहली बीवी थी इनकी, तो उसके बाद उसका मैंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपने शोर पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ, अपना घर बसाओ, खुश रहो। तो उसने आगे से मुझे बोला जा तू उससे शादी कर ले। मैंने कहा मेरा शादी का कोई चांस नहीं है, ना मैंने शादी करनी, मेरा तुम दोनों खुश रहो, मैं बात भी नहीं करूँगी।
फिर ऐसे रहमान के साथ लड़ाई झगड़े करती रही। वो जब आखिरी बार इधर से गए हैं, रो के गए हैं, बहुत रोए हैं। वो कहते हैं मेरे साथ ये इतने ड्रामे करती है। अभी रूम की तो मैं बात नहीं आपको बता सकती, ऐसे ऐसे मेरे साथ करती है ये। तो उसके बाद फिर मैंने अब मैं उसके दुख की सुनती रही हूँ, अपना सुनाती रही। ऐसे हमारे में प्यार हो गया। मैंने बस उन्हें बोला था कि हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया। तो एक मेरा सवाल अहम ये कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का बारे में आपको भी शायद पता है, तो सबसे पहले आपको मतलब जब आपने प्यार हुआ फिर शादी कर ली, तो मतलब भारत को लेकर आपके मतलब जहन में बात करें तो क्या ऐसे सवाल थे, क्या ऐसा भारत था, आपके सपनों का भारत की बात करें, और आप वर्तमान में जब आए हो भारत कैसा लगा आपको? मुझे बचपन से, सही बात बताऊं तो मुझे बचपन से मैं ड्रामे वगैरह इंडियन देखती हूं, अभी भी देखती हूं। फिल्में वगैरह तो नहीं मैं देखती, ड्रामे देखती हूं। अब मेरी फेसबुक पूरी फॉलो मैंने की है ड्रामों वाली ना। मैं ज़्यादा ड्रामे पसंद करती हूं क्योंकि इनके मुझे जो घर के माहौल अच्छे लगते हैं, इसी वजह से बस मुझे इंडिया पसंद था। तो उस टाइम तो रहमान थे भी नहीं, तो लेकिन ऐसे जब मेरी किसी इंडियन से बात होती थी तो मेरा दिल खुश होता था कि भाई हाँ ये इंडियन है। तो दोस्तें भी काफ़ी इंडियन अभी तक हैं मेरी, तो हिंदू धर्म में भी है दोस्त इधर की। उसके बाद क्या कहते, जब मैंने फिर वीज़ा, पहले तो मैं सऊदी गई हूँ, उधर जाके मैंने मक्का में रहमान के साथ दोबारा निकाह किया। पहले तो मैंने कोर्ट मैरिज की है, उसके बाद मैं उमरे पर गई हूँ, उधर जाके निकाह किया। फिर मैं वापस चले गई हूँ उधर से, फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया इंडिया का, तब फिर मैं इंडिया आई हूँ, वो भी अपने ससुराल वालों को मिलने के लिए। तो यहाँ आने के बाद में यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का पहनावा है कैसा लगा आपको भारत, और भारत की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद बहुत अच्छी लगी? मैं तो अभी तक बाहर नहीं गई ना, मैंने देखा है कुछ भी। मुझे इनके घर का बता रही हूँ, घर वाले मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इनका बोलने का तरीका, प्यार करने का अलग है। प्यार करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं अपनी बहुओं के साथ। मतलब अपनी बहुओं को उठाते नहीं हैं सोए पड़े, मतलब बेटियों की तरह रखा हुआ है इन्होंने। तो जैसे एक सास ससुर में होते हैं ना, अपनी बहुओं के पीछे पड़ जाते हैं, बहुओं को बहू नहीं समझना, ठीक है बस अपनी बेटी को बेटी समझ, पर इनमें ये चीज़ें नहीं हैं। ये अपनी बहुओं के साथ बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। इन लोगों का मुझे यही चीज़ अच्छी लगी। भारत की बात करें तो ऐसे कौन से सुपरस्टार है जो अभिनेता हीरो है जो आपको अच्छे लगते हैं, ऐसी कौन सी हीरोइन है और कौन सी मूवी है जो भारत की आपको अच्छी लगती है? मूवियाँ तो मैं नहीं देखती, मैंने आपको बताया मैं इंडियन ड्रामे ज़रूर देखती हूँ, लेकिन इंडियन मूवी वगैरह मैं नहीं देखती, मुझे अच्छी नहीं लगती ड्रामे में देखती हूँ। अभी भारत को लेकर क्या ड्रीम, अभी तो आप 45 दिन के टूरिस्ट वीजा के ऊपर जैसे भारत आई है, आगे का क्या प्लान है रहमान के साथ? रहमान से कब बात हुई थी, कब आ रहे हैं, कब मिलेंगे आपसे? अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे, इंशाल्लाह आएंगे। तो बात मेरी उनके साथ रोज़ाना हो रही है, तो अभी नहीं आ रहे ना क्योंकि अभी थोड़ा काम में भी मसला है उधर, तो इसी वजह से नहीं आ रहे। लेकिन मैं तो अपने ससुराल वालों को मिलने आई हूँ, जो मुझे दोबारा वीज़ा देंगे सरकार, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा फिर से, लेकिन अभी तो मेरा 45 दिन का वीज़ा है। मेरे सवाल एक है उसके, लेकिन दो तरह के उसमें जवाब होंगे कि एक तो आप पर जो पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लग रहा है, और दूसरा आरोप लग रहा है आपकी जो भारत सरकार उससे क्या मांग है? जैसे रहमान ने आपने शादी कर ली है तो आप रहमान की पत्नी हो, तो आपकी क्या मांग है कि आपको किस तरीके से क्या करना? भारत सरकार से तो मेरी यही राय है कि बस मुझे रहने का एक वीज़ा दे, आईडी बनाए। मैं अपने ससुराल के साथ रहना चाहती हूँ इज्जत से, जैसे मैं इज्जत से आई हूँ वीज़ा लगवा के, ऐसी इज्जत से रहना चाहती हूँ मैं। पाक जासूस का भी आप पर आरोप लग रहा है, वो लगाने दें। देखिए ऐसा कोई मसला होता ना तो बागाबाड़ से मुझे इधर एंट्री ना आने देते। मेरे पेपर वगैरह सब मेरे पास है, पुलिस स्टेशन में मेरी कार्रवाई की है, सारा कुछ उन्होंने देखा है। जो ऐसा होता है तो वो मुझे इधर आने देते, कभी भी ना आने देते, पकड़ के उधर ही मुझे रखते हुए, ठीक है। उन्होंने मेरे ससुराल के साथ भेजे हैं, जो भी कोई लगा रहा है लगाने दें, मुझे उन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं, ना मैं चोर हूँ तो ना मुझे कोई टेंशन है। आपको पता था कि रहमान की पहली शादी हो चुकी है, अब रहमान की पहली पत्नी ने भी उस पर जैसे मुकदमा करवाया है, तो अब क्या प्लान है, आप साथ में रहने को तैयार हो गए दोनों? मैं तैयार हूँ, मैं उसको यही बोलूँगी, वो सुन भी रही होगी देख भी रही होगी, उसको मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों की ज़िंदगी ना ख़राब करे, प्यार मोहब्बत से रहे, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कहते हैं ना जब दो एक शोर की दो बीवी होती है वो बहने बन के भी रहती हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता कि सोचता ना ये है वो है, प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करूँगी, अपने बच्चों का सोचे वापस आ गए।
तो हमारे साथ रहमान की माता जी भी है, महविश की सास जी। माता जी, पाकिस्तानी बहू आई है, कैसा लगा पिछले 3-4 दिनों से आप इनके साथ हो, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, क्या कैसा कल्चर लगा और कैसे आपसे बातचीत वगैरह? बढ़िया है। और 5 बजे उठ के चाय बना के दी है मैंने, और खाना भी बना रही है, बढ़िया है। बाप भी मेरी बेटी की तरह रहती, इन्हें भी बेटी की तरह राख, बाप भी बेटी बन के आ जाओ, बेटी बन के राख, बेटी को दर्जो दे, बितो को बितो भी देसु ना, बाप मेरे से कदम राड़ करती ना, मेरे से कोई लड़ती, बस बाप मोटार लगाएंगी कुल मन, अब भी की मर्जी है। मेरा पोता पोती है, बाप को हक देसु, बाप बितो ही प्यार देसु, भी मैं कोई कमी को नहीं आऊंगी। आज भी माँ के लिए घर खुले है, ये घर में भी रेस्क है, मेरे घर और भी रेस्क है। जी, भारत की बहू थारा सगीता दिन रही, अब पाकिस्तान की बहू का संगत है, पिछले 3-4 दिन से रह रहे हो, भारत और पाकिस्तान की बहुमत थाने एक अंतर की बात करना, तो के अंतर इशो लागे होगा दुखो है के मेरे लिए तो न भारत की बहू भी मेरे लिए न, मैं तो कदम मैं सोच को नहीं करी कोई मेरे साथ कोई गलत करे, ठीक है। तो आप भी आइए तो भी इतो प्यार भी न दिए न वितो ही न दे, मेरे कन चाल हल है भाई, मेरा नहीं चाल है अल्लाह का, फिर अल्लाह मर्जी, फिलहाल आके भाई मैं थारी पूरी सेवा करूँगा, पूरी सेवा करेगा तो ऊपर जिंदगी है जिसकी सुकून से गुजार ली। तो हमारे साथ महविश थी और महविश की सास और महविश के जो ससुर थे दोनों थे, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि रहमान की पहली पत्नी और महविश दोनों साथ रह सकते हैं और दोनों को वो उतना ही प्यार देंगे जितना रहमान की पहली पत्नी फरीदा को देते थे, उतना ही महविश को देंगे और महविश को जितना दे रहे हैं उतना ही फरीदा को प्यार देंगे। चुरू से लोकल 18 के लिए नरेश पारिक।